हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आज के न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज हमारा वीडियो रहने वाला है लियोडली का P1 बेस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बेस है, वो 4000 की पावर रेटिंग के साथ में रहता है। इस बेस में कौन सा कैबिनेट है, स्पीकर कौन से रहने वाले हैं, इस बेस का फुल स्पेसिफिकेशन और इसका रिव्यू करेंगे। इस बेस के लिए कौन सी एम्पलीफायर बेस्ट रहने वाली है ताकि ये हमारा बेस एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। लियोडली का ये बेस है वो लॉन्ग थ्रो के लिए बनाया गया है। इस बेस का सीधा असर आपकी छाती पर पड़ता है, यानी इतना खतरनाक इसका बेस का प्रेशर रहता है। सो फ्रेंड्स, इसका फुल रिव्यू और लास्ट में इसकी प्राइस डिटेल भी जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे बेस का फ्रंट पैनल कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। ये फ्रेंड्स हमारे बेस का फ्रंट पैनल, जो आप लियोडली प्रो साउंड की ब्रांडिंग के साथ देख सकते हो। फ्रंट में आपको काफ़ी हैवी क्वालिटी की ग्रिल देखने को मिल जाता है। बेस का फिनिशिंग भी काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल जाता है। इस बेस के अंदर 21 इंच के 2 बूफर यूज़ किए गए हैं। और इसके कैबिनेट के डिज़ाइन की बात करें तो इसका कैबिनेट का डिज़ाइन है वो वी शेप में रहने वाला है। स्पीकर का मैग्नेट अंदर की तरफ और कॉर्न बाहर की तरफ लगाया गया ताकि स्पीकर का थ्रो है वो काफ़ी लॉन्ग तक रहे। इस बेस के अंदर BNC के 2 वूफर यूज़ किए गए जो नियोडियम मैग्नेट वाले स्पीकर है। फिर इसके बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर आप इसका बैक पैनल देख सकते हो। बैक पैनल में आपको न्यूट्रिक स्पेकॉन मिल जाती है जो कनेक्शन के लिए। साइड के अंदर आप इसके कैरिंग हैंडल्स देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इसके मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल P1 रहने वाला है। ये अर्थक्वेक सीरीज का बेस है जिसके अंदर U1, S1 और मॉडल के बेस हैं। पावर इसका 4000 वाट AES पावर में मिल जाता है। एलिप ड्राइव 21 इंच के 2 ऊपर यूज किए गए BNC के एक्सलेंट लो फ्रिक्वेंसी वाले बेस हैं। इसकी वॉइस कॉल 6 इंच की रहने वाली है। नियोडियम मैग्नेट के साथ में ये मिलते हैं। फ्रिक्वेंसी इसकी है वो 27 से 160, यानी लो फ्रिक्वेंसी वाला बेस है। SPL काफ़ी तगड़ा 142 dB का मिल जाता है। पीक SPL है इसका 148 dB का रहने वाला है। सेंसिविटी की बात करें तो ये 104 dB की मिल जाती है और वेट इसका 103 kg के अप्रॉक्सी रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये है इसकी स्पेसिफिकेशन। आप स्पेसिफिकेशन के आधार पर देख सकते हैं कि बेस का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहने वाला है क्योंकि इसका SPL काफ़ी तगड़ा हमको 142 dB का मिलता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा बेस है वाकई में छाती पर जोर देने वाला बेस रहेगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे इस बेस के लिए बेस्ट एम्पलीफायर की, इसके लिए किस टाइप के एम्पलीफायर है ताकि ये पूरा का पूरा आउटपुट दे सके। तो पहली है जाइफर की Z8 एम्पलीफायर है जो आप ले सकते हो उसके लिए। एन लैब की A9000 एम्पलीफायर जो ले सकते हो। उसके अलावा X8D जो एन लैब की है वो भी एम्पलीफायर इसके लिए ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप NX ऑडियो की MT-BY01 ले सकते हैं जो इस बेस के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, या फिर आप आहूजा की LXS-CTR एम्पलीफायर ले सकते हैं। तो ये एम्पलीफायर इसके लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ रहने वाली है। जो फ्रेंड्स आप लेते हो तो काफ़ी आपको अच्छा साउंड का रेस्पॉन्स मिलता है। और फ्रेंड्स फिर बात करते हैं इस बेस के पेयर की प्राइस की। सो फ्रेंड्स, प्राइस मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ से अगर आप इसकी प्राइस का चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।